16 अगस्त को चीन के एक लव्य स्टेडियम में लाखों की संख्या में अपार जनसमूह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भारी स्वागत करेगा। धारा 370 समाप्त करने के पश्चात हरियाणा के जिला जींद में प्रथम जनसभा होगी। अमित शाह की यह जानकारी आज पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सदस्य वीरेंद्र सिंह ने आज जिला जींद मुख्यालय के जिमखाना क्लब में आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए दी। वीरेंद्र सिंह ने एक प्रश्न के जवाब में कहा कि उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सलाह दी है कि वे कांग्रेस न छोड़े। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि जिस भी पूर्व मुख्यमंत्री ने कांग्रेस छोड़ी अथवा अपनी पार्टी बनाई उसका बिस्तर गोल हो गया। उन्होंने यह उदाहरण अपने बारे में कहा कि वे मुख्यमंत्री नहीं रहे इसलिए उन पर यह लागू नहीं होता। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को यह सलाह दी है यदि वे कांग्रेस छोड़े तो फिर भाजपा का दामन थाम ले। कांग्रेस में धारा 370 का तोड़ने का कभी विचार नहीं हुआ। दूसरी बात यह कि आज कांग्रेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा धारा 370 खत्म करने का स्वागत कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल सिस्टम में मन में अगर हो और लीडरशिप ये नहीं चाहती हो तो आदमी चुप कर जाता है, और हम भी चुप रहे जितने दिन कांग्रेस में रहे। बाकी मौका भी है क्योंकि सारी पार्टियां टूट फूट गई, किसी में दम है नहीं। सब कहते हैं हमारे को भी ले लो, हमारे को भी ले लो। अब आप ये पूछो कि भाई कोई आपके मन में ऐसा हो जो नहीं आना चाहता हो तो उसका नाम बता दो, मैं बता दूंगा कितनी बार आया कौन आया। कि धारा 370 के लिए भी माहौल बनाने में प्रेस का बहुत बड़ा हाथ था। ये सिर्फ नेताओं की सोच नहीं है, प्रेस ने भी इस बात को बार बार ये कहा कि हाँ इससे देश, मैंने कहा जैसे देश और राष्ट्र दो अलग अलग चीज़ें हैं। देश तो सीमाओं में बंधा होता है और राष्ट्र जो है उसको मन में होता है आपके। तो हमारी पार्टी की पहचान भी इसीलिए नई बनी है कि हमने राष्ट्र को परिभाषित किया है 370 खत्म करके। हमने राष्ट्र को परिभाषित किया है इस देश में, ये जिसको हम फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं या इन्फ्यूजन कहते हैं, जिसमें 36 करोड़ अब खाते हो गए, ये राष्ट्र को एक करने के प्रयास हैं। हमारा देश अब राष्ट्र बनेगा, और राष्ट्र बनने का मतलब ये है, इस चुनाव में भी आपने देख लिया कि जब राष्ट्र की बात आती है तो धर्म संप्रदाय जाति सब गौण हो गए। मैं ये कहता रहा मेरे लड़के को वोट दो, वो कहते देंगे मोदी को। मैं कहा मेरा छोरा खड़ा है, कोई बात नहीं जी देंगे मोदी को। मैंने कहा बीजेपी से खड़ा है, कहने लगे कोई बात नहीं देंगे मोदी को। तो ये जो चीजें हैं, ये इन छोटी जो मानसिकता की बातें थी उनसे ऊपर उठ गया देश। और मैं तो कई बार सोचता हूँ कि अगर यही वातावरण देश में 5 साल बना रहे तो देश की जो जिसको हम 5 trillion US dollar इकोनॉमी कहते हैं, यू कैन अचीव विद इन द शॉर्टेस्ट टाइम, थोड़े से थोड़े समय में उसको आप, ये राष्ट्रभक्ति का यही नमूना होता है। देखो अब चुनाव है ना सिर पे, तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो ये दल हैं हमारे सामने जो खड़े हैं उनको अपना कुछ ना कुछ तो बिसात बिछानी है। ऐसे अगर वो, मैं तो कहता हूँ कि बिछाओ 18 तारीख को, उसको भी दे दो कुछ सीटें। देखो देखो मैं उड़ा मेरे, अब आपको क्या बताऊँ, तेरे को पता है सारा राजनीति में मैं ही तो लेके आया था घर से, लेकिन अब वो नेता बन गए। लेकिन मैंने उनको एक अच्छी सलाह दी, मैंने कहा कांग्रेस मत छोड़ना, जिसने छोड़ी है वो उसका बिस्तर बंद हो गया, मेरे को छोड़ दिया। क्योंकि मैं मुख्यमंत्री नहीं था, जिन मुख्यमंत्रियों ने उनका बिस्तर बंद हो गया,
और दूसरा मैंने कहा कि अगर छोड़ने का इरादा ही है तो फिर मैंने कहा बीजेपी की सोचना, और मैंने कहा अपनी पार्टी बनाई तो वही हाल होगा जो पूर्व सब मुख्यमंत्रियों का हुआ है। तो ये सच्चाई है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि द प्रेजेंस ऑफ ए पॉलिटिकल आउटफिट विच सिट्स इन अ पोजिशन दैट इज मस्ट फॉर ए हेल्दी डेमोक्रेसी। ये मेरा अपना विश्वास है ये, कि वरना तो वो एब्सोल्यूट पावर जब भी वो किसी को मिल जाती है तो फिर उसके परिणाम अच्छे नहीं होते। तो हम तो चाहते हैं 10-15 सीटें मिल जाएंगे, ठीक है, अच्छी बात।